सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब हम YouTube पर नए आते हैं और न्यू चैनल क्रिएट करते हैं तो हमको यानी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटे हमको पूरे करने होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हम यानी कि जब हमारे YouTube में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो हमें YouTube क्या क्या फीचर देता है और हम क्या क्या फिर कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहो एंड तक, और अगर भाई के चैनल पर नए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और ऑल को भी सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरा न्यू वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी नई वीडियो सबसे पहले देख पाओ। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी मेरे चैनल पे आपको YouTube टिप्स से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, बिना करे आपको बोर, चलते हैं अपनी वीडियो की और। गाइस, यहां पे सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो हमें YouTube क्या देता है। तो गाइस, सबसे पहले है ना, यहां पे 100 सब्सक्राइबर होने पे ही ये मिल जाता है कस्टम URL, यानी कि जैसे कि मैंने यहां पे बना के रखा है youtube.com/technicalrvz। तो ये मैंने है ना अपना कस्टम URL बना के रखा है, तो यहां पे 100 सब्सक्राइबर हो जाता है तभी ये आपको मिल जाता है। तो गाइज, अगर आप अपना कस्टम URL बनाना जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट कर देना कि भाई मुझे बनाना नहीं आता, तो मैं उस टॉपिक से वीडियो बना दूंगा कि कस्टम URL कैसे बनाते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं कि यहां पे दूसरा हमको क्या मिलता है जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है। तो हमको यहां पे दूसरा ये मिलता है कम्युनिटी। जैसे कि गाइज, आप लोग यहां पे देख सकते हो मेरे को यहां पे मिला हुआ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो ना कि जब भी यानी कि जैसे कि कोई न्यू वीडियो अपलोड किया तो उसमें क्या कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो कि मैंने अभी कोई बंदा अगर नहीं देखा है तो अगर जब बताओगे कम्युनिटी के द्वारा तो पब्लिक वहां पे देखेगी कि हाँ इसने अभी वीडियो अपलोड किया है। उससे अपने पर यानी कि अपने फ्रेंड सब्सक्राइबर से बातें कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, पुराने वीडियो पे व्यूज ला सकते हो। बस यही सब यानी कि दूसरा जो कम्युनिटी मिलता है ना, आप इसमें यही सब कर सकते हो। अब यहाँ पे तीसरा हमको मिलता क्या है, तीसरा गाइज, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप है ना अपने चैनल यानी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद 4000 वॉच टाइम घंटे पूरे हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो और रिव्यू में अपने चैनल को भेज सकते हो। तो यानी कि यही मिलता है यानी कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए आप भेज सकते हो। अब गाइज, यहाँ पे उसके बाद आपको क्या मिलता है, उसके बाद है ना जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि जब यानी कि आपके 400-500 सब्सक्राइबर होते हैं तो आपका यहां पे देख सकते हो क्या यानी कि आपके सिर्फ नंबरिंग में ही तो होते हैं, लेकिन जब आपके है ना यहाँ पे जब आपके यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो सबसे यहाँ पे देखने में जैसे कि वन यहाँ पे के में आपके सब्सक्राइबर के में सो होने लगेंगे। तो बस यानी कि जब के में होने लगेंगे तो आपका चैनल देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव यानी अच्छा लगता है जब के में हो जाता है। तो गाइस, यही सब जो है 3-4 फीचर जो हमारे यानी कि यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हमको ये सब यहाँ पे मिलता है। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को सभी डाउट क्लियर होंगे, सभी जानकारी मिल गई हो। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो और फिर आप लोगों को किस टॉपिक से वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उस टॉपिक से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिर और भाई से अगर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो वहीं पर बातें करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।